अज आप पंजाब दे विच झोने की हो रही बेकदरी झोने की खरीद करन विच आ रही अड़चना तो पंजाब उहदी पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार पूरी तरह जिम्मेवार उस बारे गल करनी है तो सुधार की है उस बारे तुम दसना मेरे सारे ही किसान मजदूर साथी भैन भरा वीडियो सुन के तुरंत इसमें शेयर कर दो ता जो अपनी गल लोगों तक जा सके। जदों भी दुनिया भर च देश भर च या कितने भी कोई भी जो संसद मुखी है वह फैसले ना लवे मौके के उत्ते चुनौतियां वगारा जिहड़ियां भी आ रही हो उनका सामना करने डरे तो उस संस्था के मुखी का ना सत्कार रहा तो ना ही उसकी कोई क्रेडिबिलिटी रही है। ये पंजाब दे विच वापर रहा इस टाइम के चाहे वह पंजाब की सरकार है चाहे धार्मिक तौर पर जिहड़ियां संस्थावां चल रही चाहे राजनीतिक पार्टियां वा चाहे कोई होर बाकी संस्थावां वा उन्हां दे विच ये वड्डे पद्धर ते निराड़ आ चुका वा भावे मुढ़ली इकाई परिवार है उत्थे भी जे मुखी ठीक फैसले ना करे उहदा भी उत्थे कोई सत्कार नहीं रहिंदा वह परिवार बर्बाद हो जाता पैदी कला चल जाता। इस तरीके अज जो पंजाब च हो रहा पंजाब का मुख्यमंत्री पूरी तरह डम्मी बन चुका वा उसकी कोई वैल्यू नहीं उस को कोई ताकत नहीं सारी ताकत केजरीवाल ने अपने सलाहकार ला के अपने अफसर ला के जिस तरह वित्त का जो सलाहकार वह भी लाता फाइनेंस का जो वित्त मंत्री है वो भी जरा वित्त सकत्र लाता सलाहकार लाता तो इस तरह भगवंत मान ने भी सलाहकार लाते हैं मतलब पूरी जी शक्ति है वो केजरीवाल अपने को लै गया। इस करके इस वे भगवंत मान की कोई भरोसेयोगता नहीं कोई उहदा सत्कार नहीं पंजाब दे विच हैगा कोई जो बंदे दा हुंदा भी नहीं गा तो ना वो फैसले लैण जोगा जो ये हालत बनती है जो होवे ना उपर कुंडा ते हाथी फिरे लुंडा अफसरशाही सारी बेलगाम हुई पई है उन्होंने नहीं समझ लग रही भी साडा बॉस कौन है असीं उहनूं कित्थों लैणे आ मुख्यमंत्री तों लैणे आ जां किसे मंत्री तों लैणे आ कि जां दिल्लीओं लैणे आ। इस करके रोल कजोड़ा पूरे पंजाब च मचिया पिया जिहड़ा पंजाब की बर्बादी का कारण बन रहा हुण इन्होंने बड़े जोर शोर नाल कहा सी कि असीं भ्रिष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे असीं कट्टर ईमानदार आ उहदा जो जनाजा निकलिया तुहाडे सामने जिस तरह प्रशासन का बड़ा गर्क होया तुहाडे सामने जिस तरह मंत्री MLA भ्रिष्ट होए तुहाडे सामने मैं पिछली वीडियो में बोला कि इस वेले जो सरपंची इलेक्शन चल रही है उहदे विच जो जनाजा निकलिया सरकार का वह भी ऐ दुनिया के सामने है। जिस तरीके डेमोक्रेसी ने अपना जिहड़ा वा जिहड़ा क्रूप चेहरा वा वह विखाया जिस तरह पार्लीमेंट इलेक्शन च जिस तरह विधायक अपन असैंबलियां चाह तो जिस तरह पंचायत चोणों च सामने आया वा। इस वे मैं पिछले कह भी जो सरपंच के पंच है वह MLA अफसर शाही पैसे दे के आ रहे कुछ 10 लाख 5 लाख 20 लाख जिन्हें भी हैं तो उन्होंने कागज सैट हो रहे उन्होंने सरपंच पंच बनाया जा रहा वो गल सिद्ध हो गई है हूँ तो मीडिया च आम खबर वा। इस करके इस सारे प्रबंध में देखो हालत की बनी भी पंजाब अज बिल्कुल अफरा तफरी फैली पई है चारे पासे जिहड़े आ लोग परेशान है तो लोग अपने धरने मजारे दे उत्ते अज झोने का सीजन है
एक अक्टूबर तो झोने की खरीद शुरू होनी होंगी है, एक अक्टूबर तो झोने की खरीद शुरू हुई है क्योंकि प्रबंध ही नहीं किए गए। माल जरा वा पाया गोदामा च पाया, गोदाम भरे पे आ, केंद्र सरकार ने चुकया नहीं, चुकाने वास्ते कोई जी किया नहीं गया कोई उपराला। इस तरह बासमती च लुट हुई है, इस तरह बाकी चीजा जो व्यापारी लै रहे वो लुट कर रहे हैं, हजार दो हजार रुपया क्विंटल मगर लुट लिया गया किसानों की फसल। दूसरे पास आड़ा झोना सरकारी खरीद खरीदनी सी, भी कई वरायटियां भी यह वरायटी लैन योग नहीं जी, ये बचाई क्यों गई फिर लुधियाना यूनियन टेरेटरी क्यों बचाई गई है, क्यों सिफारिश की गई है, मुख्यमंत्री आप सिफारिश करता रहा चुकन च की दिक्कत है फिर। इस करके सरकार भगवंत मान की सारे कहे की जिम्मेवार है। इसलिए अज 13 तरीक है, 13 दिनों के भी कोई खरीद मतलब अंशिक रूप से कभी माड़ी मोटी है नहीं तो नहीं हो रही। वो कारण लेबर आए भी जोड़े वो भी हड़तालते हैं, शैलर आए भी हड़तालते हैं, शैलर आने की अपनी दिक्कत हो गई, तो जोड़े गुआढ़ी है वो अपनी दिक्कत लेके बैठे हुए हैं। तो भगवंत मान की सरकार इन्हों हल करने वास्ते नाकाम दिस रही है। उसके लिए मैं सारे किसान मजदूर हाँ जिन्हें साडे किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के कारकुन जां पूरे पंजाब के जिन्हें किसान ते मजदूर है होर भैन भाई है सारे अपील है खुला सदा भाई झोना दाना दाना चुकावे तो हम तो गोडा रख के चुकावे केंद्र ते पंजाब सरकार दे उत्ते दोनों बेईमान। असल च झोने की खरीद चो हौली 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 इस तरीके करके भजना चाहते हैं। वो जिथे भी कितने दिक्कत आ रही है, जिथे भी कितने दिक्कत आ रही मंडियां जिथे झोना नहीं चुकया जा रहा उत्थे तुरंत जाम लाओ, सड़कों से निकलो, रेलां रोको, डीसी घेरो, मार कमेटी दफ्तर घेरो, फूड सप्लाई दफ्तर घेरो, जिथे भी तुहाडा जिहड़ा तुहानू जिस तरह जापदा वा जां ठीक लगता उही एक्शन प्लान तुरंत लिखो। जेकर फिर भी एक दो दिन के दो चार दिन के दो तीन दिन के हल नहीं होता, मान लो अजय मालवे झोना नहीं आ रहा, इतने भी जरा अजय माझे च दुआबे च भी अजय झोना जरा जो सरकारी खरीद च पैना वा परमल वो अजे बहुत ही नहीं आ रही मंडिया। इस करके जे एक दो दिन के मतलब हल नहीं होता झो अपना खरीद का तो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब वालों दूजे दोनों फोरमों ने गल करके के एम एम तो संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक उन्होंने जथेबंदियों ने गल करके पंजाब भर के वड्डा एक्शन प्लान लिखा जाऊगा, वड्डा जोड़ा वा वो संघर्ष छेड़िया जाऊगा, तो हर हालत के झोना सरकार को चुकाया जाऊगा, जिन्हिया दिक्कत सारिया दूर कराई जाएगी। ये जित किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब का लान है। तो तुम सारे अपने जिते जिते ड्यूटियां लगिया जिते जिते अपने इलाके आ अपने अपने इलाकों के पता करो कितने कितने की दिक्कत आ रही है, उस हिसाब ने अपने धरने मुजारे शुरू करो। एक तो यह दूसरा मेरे वीरो अपने आप को जथेबंद करो, पिंड पद्धर से अपने आप को जथेबंद करो, पिंड पद्धर से अपने आप को मजबूत करो, सारे मसलों का हल लो, डाई खाद नहीं मिल रही जे अपने समार्ट मीटर लाने रोकने जाली वाला मसला जिसे रोज रौला पै रहा, यह सारे मसलों का हल की है। जो सरकार जबर जुर्म तो उतरी हुई है किसानों के उत्ते हल एक ही आ, पिंड अपने मजबूती करो, जिसे तैयार करो पंजाब पंजाब तैयार करो, अपनी सत्ता बनाओ पिंड अपनी ताकत बनाओ, वो ही मसले का हल आ। तो संघर्ष के मैदान च हर वे तैयार रहो, काबल के जमयान नित महिमा आपब के लोग हाँ, नागरिक का इतिहास आ, असी किसी की टाय नहीं मननी, चाहे पंजाब की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है। अपना मोर्चा चल रहा साडा अज 8 महीने तो पुर हो गया शंभू के खनौरी से रतनपुरा बार्डर से, उन्होंने होर मजबूत करा और देश भर दिया पंजाब भर के लोगों को शामिल करावे जथेबंदियों को शामिल करावे, तो चढ़ती कला के नाल कि पंजाब के केंद्र सरकार की धौन से जरा गोडा रखा उन्ना चिर तक लड़ा जिन्ना चिर तक किसान मजदूर की जी इस जरा जो आला दुआला फैलिया पाया वा सारा वो तो मुक्ति भी करा देंगे, उन्ना चिर तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे, जित प्राप्त करेंगे। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी।